वी हैव द मैन हिमसेल्फ हियर। सो भाई कैसे चल रहा है और क्या फील कर रहा हो आप इवेंट के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये एक सक्सेसफुल इवेंट था। पूरा इंडिया से कॉल आ रहा है, फ्रेंड्स लोग फोन कर रहे हैं, या फिर जो कि एलएमए को फॉलो करता है सब लोग फोन कर रहे हैं। तो सब लोगों को बहुत मजा आया फाइट्स देख के। और नॉर्थ ईस्ट में, असम में, गुवाहाटी में एक एक नया स्पोर्ट्स, नया मतलब एक इवेंट देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि BFC वर्ल्ड कप हुआ था तो 2017-18 में हुआ था, तो काफी दिन की बात एक अच्छा इवेंट नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, MMA इवेंट, तो सब लोग खुश है। तो आपको किस फाइटर्स या किस फाइट ने ज्यादा इम्प्रेस किया फाइट नाइट एक्चुअली में? 10 फाइट्स, 10 आउट ऑफ 10 फाइट्स सबने मेरे को इम्प्रेस किया। सब लोग अच्छा था, सब लोग पूरा ध्यान लगा के फाइट किया। सब फाइटर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब एक भी फाइट ऐसा नहीं है जिसको मैं ये बोलूंगा कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, या फिर सब फाइट अच्छा था। किसी का स्ट्राइकिंग गेम अच्छा है, किसी का ग्राउंड गेम अच्छा है। जैसे स्ट्राइकिंग का बात करें तो मनदीप एंड ओपनिंग बाउट सुल्तान, देन ग्राउंड का बात करें तो हम लोग ये नवदीप, फिर मिडुल, धोनी, फिर को मेन इवेंट एंड मेन इवेंट सुमित एंड दुसन, सब फाइटर का फाइट बहुत अच्छा था। सबने बहुत अच्छा खेला, तो बहुत इंप्रेस हूँ मैं सब फाइटर्स को लेकर। तो आपने कहा कि आपको काफी सारे कॉल्स आए इंडिया पर से, सो रिव्यूज कैसा है इवेंट के बाद? बहुत अच्छा है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, सबसे मेरा बात हो रहा है। बहुत लोग फाइटर जो अभी BFC 3 के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, उन लोगों को BFC 3 में पार्टिसिपेट करना है, तो ढेर सारा इंक्वायरी है, ढेर सारा कॉल्स है। मुझे बाहर बाहर कितना कोई कॉल्स आ रहा है उससे ज्यादा मैं खुद मतलब फोकस टू कि मेरा फाइटर जो फाइट करके गया है उन लोगों को कैसे लगा, जो कॉर्नर से, जो ऑफिशियल से, उन लोगों को कैसे लगा। तो मैंने सबको पर्सनली फॉलो अप किया और सबको बहुत अच्छा लगा। और कॉर्नर भी बहुत हैप्पी है, कोच कॉर्नर बहुत हैप्पी है, फाइटर सुपर हैप्पी है, एंड ऑफिशियल को भी बहुत अच्छा लगा। तो घूम फिर के ये इस लगे ह्यूज इवेंट एंड सबको अच्छा लगा, तो इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है अभी। तो BFC 2 के कार्ड से कुछ मैच आप मैच मेकिंग करना चाहते हो BFC 3 के कार्ड के लिए? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं बहुत सारा फाइटर्स है जो BFC 2 में मैं लेना चाहता हूँ, स्पेशली दो स्ट्राइकर्स, 2-3 स्ट्राइकर्स एंड ग्राउंड में जो भी है, मेरे आराम आराम से 5 से फाइटर्स यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं BFC 3 के लिए। तो सबने पूछा होगा आपको BFC 3 का प्लान्स क्या है, BFC 3 कब होगा, तो उसके लिए उसके बारे में बताइए। मैं डेली 100 मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ BFC 3 के लिए। सब लोगों को BFC खेलना है, अभी BFC में आना है। तो मेरा अभी नेक्स्ट वीकेंड को मेरा मेरा दो टीम है, उन लोगों के साथ मीटिंग है, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि BFC 3 हम लोग कब तक प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग BFC 3 में डेफिनेटली इससे बड़ा करेंगे और इससे बटर करेंगे, तो इसीलिए हम लोग सोच समझ के थोड़ा सा हम लोग टाइम लेके BFC 3 का डेट चुनेंगे। और मतलब सब लोग एक्साइटेड है अभी BFC 3 को लेकर। इवन मेरा पार्टनर, उन लोगों को जल्दी जल्दी BFC 3 करना है। वो लोग मेरे को जैसे इवेंट खत्म हुआ संडे को, मंडे इवनिंग ही हम लोग बैठा, फिर उन लोग भी सुपर एक्साइटेड है। उन लोगों को भी BFC 3 के लिए, उन लोगों को मतलब काफी मतलब BFC 2 ने उन लोगों को काफी इम्प्रेस किया है। हाँ, तो BFC 3 के लिए हम लोग अभी नेक्स्ट में भी जल्दी से हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बिडांग में आए तो आपका एक नया ब्रांच भी खोल रहा है आसाम पे, तो वो कैसा चल रहा है अभी, और वो उस ब्रांच के बारे में कुछ बताइए। हाँ, नया जिम खुल रहा है। BFC 2 खत्म होने के बाद हम लोगों ने नया ब्रांच में काम कर रहे हैं। अभी ये अभी अप्रैल की 2 तारीख को ओपनिंग हो रहा है, एंड ये भी बहुत अच्छा जिम है, बहुत मतलब स्पेशल जिम होगा, बड़ा जिम होगा। और हम लोग एक फॉरेनर ट्रेनर्स भी ला रहे हैं, BJJ ब्लैक बेल्ट, तो अभी मतलब ट्रेनिंग वगैरह अच्छा ही होगा यहाँ पर डेफिनेटली। और ये जिम हम लोग बेलतोला बोल के एक एरिया है गुवाहाटी में, वहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी इक्विपमेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है और हम लोग 2 तारीख को, 2 अप्रैल को इसका ओपनिंग करेंगे। तो कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी को BFC खेलना है तो कैसे आपको लाइक अप्रोच कर, कैसे प्रोसीजर कैसा हो उसके लिए? एक्चुअली देखिए, मैं
मैं पहले बोल रहा कि बीएफसी को अगर खेलना है तो मतलब डायरेक्ट आप हम लोग अगर कोई प्रो रिकॉर्ड है कोई अच्छा खेल रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, अगर प्रो नहीं खेल रहा है तो हम लोग क्लब और की छू लेंगे। हाँ, तो हम लोग दो हम लोग का सोशल मीडिया पेजेस है उसमें हम लोग क्लब और के लिए हम लोग डिटेल देंगे कि कब क्लब और हो रहा है, उस हिसाब से अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आके पार्टिसिपेट करेगा। अगर इम्प्रेसिव लगा मेरे को मैं डेफिनेटली बीएफसी में जाऊंगा, क्योंकि मैं पहला इंटरव्यू में बोला था इधर कुछ मतलब हिडन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कोई अच्छा खेलता है तो 100% मुझे क्या करना है उसको बीएफसी में डालूंगा। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि किसी को पर्सनली जानता हो तो उसको मैं ले रहा हूँ, किसी को नहीं जानता हो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का प्रो रिकॉर्ड है मैं कुछ वीडियो चेक करूंगा, अच्छा लगा तो मैं कार्ड में डालूंगा, अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा तो वो लोग अगर कल क्लब वॉर में आके फाइट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली मैं उसको चांस दूंगा। तो आप बीएफसी है क्लब वार है तो आसाम में एमएमए कैसा ग्रो रहा है आपसे? असम में अभी एमएमए का सीन बहुत अलग है। अभी जैसे मैं बहुत पहले जब मैं एमएमए स्टार्ट किया था तब असम में एमएमए के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था लोगों को। जैसे मैं एमएमए खेलना स्टार्ट कर दिया, फाइट्स टीवी में आने लगा, उसके बाद जैसे मैं विडांग एमएमए फिटनेस जिम का पहला ब्रांच खोला, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, अभी फोर्थ, जैसे ये आप देख रहे हो कि ग्रोथ असम का, असम का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। और इसका रीजन है कि विडांग एमएमए फिटनेस जिम दो मैक्सिमम असम से 99.99% फाइटर्स को बना रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो बीएफसी में भी फाइटर्स लोग कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, दो विडांग का फाइटर्स है या फिर जितना भी फाइटर्स बाहर खेल रहा है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जितना भी फाइटर्स बाहर खेल रहे हैं अभी, हाँ कोई भी इवेंट में खेल रहा है असम से अगर खेल रहा है वो कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विडांग के रिलेटेड ही है। तो जब मैं स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ नहीं था, तब ना इधर एमएमए का कुछ सीन था ना कुछ एमएमए ट्रेनिंग सेंटर था। तो जैसे मैं स्टार्ट किया विडांग एमएमए तो यहाँ का असम का जो सीनरी है वो बहुत चेंज हो गया है। स्पेशली जो फाइटर्स बनने का एक जो हिस्सा था, एक मतलब एक होता है ना एक ड्रीम होता है, वो ड्रीम लोगों को अभी लगने लगा कि ये ड्रीम फुलफिल हो सकता है, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली मतलब प्रोफेशनली ट्रेनिंग करवाते हैं, हम लोग को उसको फाइटर्स को पर्सनली हम लोग गाइड करते हैं कि एक फाइटर्स बनने के लिए, प्रो फाइटर्स बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, वो हम लोग प्रॉपरली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे समझ में आता है सिस्को कि एक फाइटर्स को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं कोच होने से पहले या फिर प्रमोटर होने से पहले मैं एक फाइटर्स हूँ, स्किल में फाइटर्स हूँ, मैं अभी मैं भी 2-3 महीने में फाइट करने वाला हूँ, तो मुझे पता है, आई थिंक मुझे सबसे अच्छा पता अच्छी तरह पता है कि फाइटर्स को क्या चाहिए और उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसको कैसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं जितना भी असम का फाइटर्स है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का फाइटर्स है, उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्डवर्क करो, मतलब मेहनत करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल विडांग के जैसा और ज्यादा प्रमोशन आएगा, और ज्यादा अच्छा अच्छा वो आएगा, तो सब लोग मतलब कभी ना कभी चांस मिलेगा। मे भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, गिवअप नहीं करना, तो डेफिनेटली चांस मिलेगा। तो दो कमेंट्स था मैं वो एक कमेंट ने पूछा कि नागालैंड वर्सेस असम का कुछ कार्ड करोगे आप, दूसरा था नेपाल से कुछ फाइटर्स को लेकर बीएससी से, तो दोनों का हम लोग अमित सर प्लान कर रहे हैं नागालैंड वर्सेस असम का, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है नागालैंड में उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये नागालैंड वर्सेस असम का होगा, ये अमित सर बाउट होगा, ये मतलब दो प्लेटफॉर्म में अभी तक लो लड़का अभी तक केस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों के लिए होगा। मेरा टारगेट ये है जो यहाँ का लोकल टैलेंट है उन लोगों को मुझे केस तक लेके जाना है, जो पहले एमएमए नहीं खेला है या फिर एमएमए ग्लोब्स या फिर केस में नहीं खेला है उन लोगों को मेरे को अमेचर फाइट क्लब वार्स ये सबके थ्रू उसको हमको लेके जाना है बड़ा प्लेटफॉर्म तक। तो कोई भी फाइटर डायरेक्टली अगर बीएफसी, कोई भी फाइटर जिसके एक्सपीरियंस नहीं है और वो मन में सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट बीएफसी खेलूंगा या फिर डायरेक्ट दूसरा इंडिया का जो प्रमोशन है उसमें खेलूंगा, ये एक्चुअली मतलब इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो लोगों को क्या करना है, पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, तो जो क्लब वार से वो खोलो या फिर अपने लोकल एरिया में जो भी फाइट्स हो रहे उसमें पार्टिसिपेट करो। तो मेरा भी सेम टारगेट है, मैं क्लब वार कर रहा हूँ जिसमें असम का बंदा, असम का बहुत सारा लोग पार्टिसिपेट करता है, नागालैंड का करता है, मणिपुर का करता है, मेघालय का करता है, हाँ, तो क्लब वार में ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसका ऑलमोस्ट सब फाइटर्स पार्टिसिपेट करता है।
अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि असम वर्सेस नागालैंड मे बी आफ्टर कपल कुछ वीक्स के बाद मैं मे भी प्लान करूंगा असम वर्सेस मेघालय। तो हम लोग ऐसे प्लान करेंगे ताकि फाइटर्स मेंटली भी रेडी रहे फाइट के लिए। अभी क्या है कुछ कुछ फाइटर्स मेरा खुद एक्सपीरियंस है, जैसे अभी आपने फाइट देखा होगा आयुष आयुष वर्सेस अबटो। तो आयुष इट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट किया अबटो ने, मेरा एक और फेवरेट फाइट है वो। बट आयुष एक्सपीरियंस कम है, तो उसको क्या क्या करना है क्लब वार के ऐसा इवेंट बहुत सारा खेलना पड़ेगा। तो मैं सब अमेसर फाइटर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो केस का एक्सपीरियंस है वो बहुत जरूरी है। मेरे पास मेरा 2000-3000 अमेसर फाइट खेलने के बाद मैंने प्रो ज्वाइन किया है। तो आजकल लोग अमेसर फाइट काउंट करते हैं, अमेसर रिकॉर्ड काउंट करते हैं। मैं अगर ऐसे रिकॉर्ड काउंट करता मेरा मे बी 2000-3000 फाइट फोर होता था। क्योंकि पहले जमाने में पहले ऐसा था 10 साल 15 साल 20 साल पहले ऐसा था एवरी वीक को असम में फाइट होता था, इस वीक में इधर इस वीक में इधर। तो मैं ऐसा बंदा था कि मैं बैग लेके निकलता था, मैं एवरी वीकेंड को फाइट करता था एवरी वीकेंड। तो ये जो मैं पहले जो फाइट किया वो जो मेंटल प्रिपरेशन अभी भी मेरा दिमाग में है। मैं अभी भी फाइट करने से बड़ा प्लेटफॉर्म में फाइट करने से या फिर कुछ भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मेरे को क्या मेंटली मेरे को प्रिपरेशन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बड़ा लेवल पे देख रहा हूँ बहुत फाइटर्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है मगर उन लोगों का मेंटली वो लोग प्रिपेयर नहीं है। हाँ, तो मैं अमेचर फाइटर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिडांग क्लब और में आओ, कोई भी अमेचर जो टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करो एंड उससे एक्सपीरियंस गेन करो। ये एमएमए के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप अच्छा रेसलर हो, आप अच्छा बीजेजे प्लेयर हो, आप अच्छा स्ट्राइकर हो, हाँ, अगर आप सब कुछ अच्छा है बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटर ये है आप अच्छे से अमेचर फाइट्स खेलो, अच्छे से आप परफॉर्म करो, फिर आप प्रो में। तो ये मेरा ये सजेशन है। अभी जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं नागालैंड वर्सेस असम, तो ये भी उस टाइप का ही एक मतलब हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं ताकि नागालैंड का जो बिगिनर्स लोग है उन लोगों को मौका मिले और असम का जो बिगिनर्स है उन लोगों को भी मौका मिले। तो किसी ने पूछा है हाउ टू ज्वाइन बिडांग प्लीज रिप्लाई। तो करने के लिए ओपन है, आप कभी भी बिडांग गुवाहाटी आ जाओ। अगर आप गुवाहाटी का रहने वाले हो बिडांग में आ जाओ डायरेक्ट, एंड अगर गुवाहाटी में नहीं हो बाहर से आपको आना है, बहुत लोग बाहर से आके इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और अभी हम लोग के पास एक बीजेजे कोच भी आ रहा है ब्राजील से, ब्लैक बेल्ट है। तो मतलब बहुत लोग ये सोचता है कि हम लोग खाली स्ट्राइकिंग करते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोग इक्वली हम लोग एमएमए में फोकस करते हैं, स्ट्राइकिंग हो रेसलिंग हो बीजेजे हो हम लोग एमएमए में फुल्ली फोकस करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि बिडांग का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा था, ग्राउंड में भी अच्छा था, स्टैंड अप में भी अच्छा था। तो किसी ने पूछा एक और क्वेश्चन, किसी ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट में सबसे अच्छा फाइटर्स है, पूछ रहा है कोई। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में मेहनत करने वाला फाइटर्स है, हर स्टेट से अच्छा अच्छा फाइटर्स है। किसी का कोई वेट में अच्छा होगा, किसी का कोई वेट में अच्छा होगा, हर में नहीं बोल सकते कि इस स्टेट में अच्छा है। असम में जितना भी नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट्स है ऑलमोस्ट जितना भी एमएमए एक्टिव है, जैसे असम एक्टिव है, नागालैंड एक्टिव है, मेघालय एक्टिव है, मणिपुर एक्टिव है, हाँ, तो ऑलमोस्ट सब में क्या है अच्छा अच्छा फाइटर्स है, सब टैलेंटेड फाइटर्स है। खाली थोड़ा सा प्लेटफॉर्म कम मिल रहा है इसीलिए हम लोगों को थोड़ा प्रूव करने के लिए टाइम लग रहा है। मगर जैसे आप देख रहे हो अभी जितने भी असम का अभी नॉर्थ ईस्ट का फाइटर्स था इधर बीएफसी में, सबने बहुत अच्छा खेला, 100% फिनिश रहता या फिर नॉकआउट या फिर सबमिशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाली बिडांग का, मतलब ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस बोल रहे हो। हाँ, तो मतलब ये लोग बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बाहर जाने के लिए जो रास्ता है वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लब वार उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, नहीं है। क्लब वार में आके खाली एक्सपीरियंस गेन करो या फिर कोई भी अपना लोकल इवेंट में जाके एक्सपीरियंस गेन करो, एमएमए का एक्सपीरियंस जो आपको बाद में बड़ा प्रमोशन खेलने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा वो। तो लास्टली आपने कहा कि कैसा बिडांग ज्वाइन करो, तो बिडांग का फ्यूचर प्लान्स क्या है और बिडांग फाइटर्स का फ्यूचर प्लान क्या है? बिडांग का देखिए अभी मैं तो यही प्लान लेके चल रहा हूँ कि लोगों को जो एमएमए को सीखने का मन है उसको उसको क्या करना है, हमको प्रमोट करना है थोड़ा सा। तो लोगों को प्रॉपरली गाइड करना है, एक्चुअली एमएमए फाइटर्स प्रो फाइटर्स बनने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो
बहुत लोग क्या होते हैं मिसगाइड करते रहते हैं और प्रॉपरली गाइड नहीं करने कर, कर किया, इसीलिए क्या होते हैं बहुत लोग बीज में मतलब छोड़ देता है मैंने तो इसीलिए हमको प्रॉपर इंडियन मतलब प्रॉपर हमको गाइड चाहिए ताकि इंडियन फाइटर्स का डेवलप हो। तो मैं अपना दिबांग फाइटर्स को या फिर दो नॉर्थ ईस्ट का फाइटर्स है जो इधर मेरे पास रहकर ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों में सेम गाइड करता हूँ कि आप लोग मतलब रास्ता भटकना नहीं है, आपको डिसिप्लिन पता होना चाहिए, आपको डेटा मतलब सब कुछ आपका सही रहेगा। खाली आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अच्छे से रेस नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा घूम रहे हो, आप ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करना चाहते हो मगर आप डाइट सही नहीं है, आप फोन ज्यादा यूज करते हो, तो आजकल ये सब काफी सारा प्रॉब्लम्स है जो फाइटर्स को यंग एज में ये सब मेंटेन करना होता है, स्पेशली ऑल अमेचर गाइस जिसका एज 24-25 इयर्स, मे बी लेस देन 24-25 इयर्स, जो बहुत ज्यादा मतलब फोन को लेके बिजी रहता है, ट्रेनिंग में फोकस कम है, मगर उन लोगों को क्या होता है फाइट करना होता है। तो ऐसे होने से क्या है फाइट नहीं हो पाएगा, लाइक हो पाएगा मगर रिजल्ट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग रिजल्ट परफॉर्म मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस मतलब मैं बिडांग का जो फाइटर से जो भी इधर ट्रेनिंग करता है बिडांग का फाइटर से जो भी दूसरा दिन का भी लोग जो इधर आके ट्रेनिंग करता है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट है सक्सेस मतलब मिलना। तो आप डिसिप्लिन रहो फोकस रहो तो एक दिन तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। जैसे मैंने मेरा 25 का एक्सपीरियंस 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मगर 15 साल मैंने क्या किया अमेचर फाइट खेला, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसू में, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है मेडलिस्ट हूँ मैं उसू में, किकबॉक्सिंग में मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो बहुत सारा डिसिप्लिन मैं सीखा हूँ। मगर उसमें मुझे समझ में आ गया कि कोई भी चीज कोई भी एक्सपीरियंस ऐसे वेस्ट नहीं होगा अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करोगे, तो इसलिए मैं सबसे ये सजेस्ट करूंगा कि फोकस रहे और डिसिप्लिन मेंटेन करे, एक ना एक दिन फर्स्ट तो आने वाला मिलने वाला है। जी एक और क्वेश्चन आया है आपसे, सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा फाइटर कौन है, किसी ने पूछा है। बहुत फाइटर बहुत अच्छा सब करते हैं, जैसे अभी जैसे आप लोग देख रहे हो इस बार मंदीप यार वो अरुणाचल से अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है और आसाम विडांग में ट्रेनिंग करते हैं, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने। एक अबाटू वो भी पहले हम लोगों ने कभी अबाटू को फाइट नहीं देखा था, तो इस बार कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने। हाँ थोड़ा मिडुल सोनम ये सब थोड़ा सा सोनम कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारा फाइटर्स है जिसको प्लेटफॉर्म मिलना बाकी है, जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म मिलेगा डेफिनेटली क्या करेगा वो लोग अपने आप को प्रूव करेगा। बहुत सारा फाइटर्स है जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट फाइटर है यहाँ का, क्योंकि MMA में क्या है एक से बढ़ के एक है। अगर मेरे को लग रहा है अभी 52 किलो में मंदीप बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, मैं भी कल मंदीप को बीट कर सकता है अगर मंदीप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करेगा या फिर उसका जो स्किल है स्किल अगर वो मेंटेन नहीं करेगा मैं भी कल उसको बीट कर देगा। कोई मेरे को लगता है कि 56 किलो में धोनी बेस्ट है, अगर मेरे को लगता है अबाटो बेस्ट है, अगर दो अच्छे से फोकस नहीं रहेगा अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करेगा तो फिर बीट कर देगा कोई ना कोई। तो इसीलिए कौन बेस्ट है वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बेस्ट रहने के लिए आपका लाइफस्टाइल आपका ट्रेनिंग आपको फोकस रहने पड़ेगा, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब कि कौन बेस्ट है वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 2017 से वो बॉक्सिंग खेल रहा है तो वो MMA ट्रांसलेशन करता है पूछ रहा है किसी का। अगर आपको सीखने के लिए इच्छा है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, मगर वो एक देखिए हम लोग का एक एटीट्यूड रहता है कि मुझे बॉक्सिंग आता है तो कुछ अगर मुझे MMA में शिफ्ट कर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बॉक्सिंग दो MMA में बॉक्सिंग का जो पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं उसको ही पकड़ के रखना पड़ेगा, दो MMA में यूज नहीं कर सकते उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा ये कर सकता है और कोई भी बंदा ये कर सकता है तो क्या है वो आराम से स्विच कर सकता है, मगर बहुत लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है मैं बॉक्सिंग में ऐसे मारा था MMA में भी ऐसे मारूंगा, ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप कोई भी बॉक्सिंग हो या फिर दूसरा मार्शल आर्ट हो हाँ वहां से MMA में स्विच कर सकता है। जैसे मैं पहले किकबॉक्सिंग था, मैं पहले उसू करता था किकबॉक्सिंग करता था, मैं स्पेशली स्ट्राइकर था, मगर मुझे समझ में आ गया कि ये खाली स्ट्राइकिंग से नहीं होगा ग्राउंड में भी फोकस करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैंने काफी सारा सीखा। तो सेम चीज है ये एटीट्यूड सीखने वाला एटीट्यूड अगर आप रख रहे हो मन में तो डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेसफुल MMA फाइटर बन सकते हो। और तो बाबूजीत भाई टाइम निकालने के लिए बहुत धन्यवाद, जाने से पहले
आप कुछ कहना चाहते हो जो भी वो लाइव में है, जो भी वो वीडियो देखे हो, कुछ कहना चाहते हो आप? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोकारूम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरा जो प्रमोशन है उसको पूरा इंडिया में सबको दिखाया। सब लोग आज जो बीएफसी का जो इम्प्रेशन है बहुत बहुत हाई लेवल इम्प्रेशन है बिकॉज ऑफ ओनली लोकार रूम, क्योंकि लोकार रूम आप लोगों ने मुझे काफी प्रमोशन किया है। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद में जो भी जितना भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जितना भी लोग मतलब बीएफसी को पहले से फॉलो कर रहा था, उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, हम लोग एक नया चीज नॉर्थ ईस्ट में ट्राई कर रहा है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें मेरा पर्सनल कुछ बेनिफिट नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो तो फाइटर थे उन लोगों का प्रमोशन हो और उन लोगों का बड़ा लेवल में अच्छा लेवल में फाइट करे। तो आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करो। और इसमें खाली नॉर्थ ईस्ट का फाइटर्स नहीं कर रहा है, मैं नॉर्थ ईस्ट का मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में फाइट कम होता है पूरा इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट का बाहर दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर में बहुत सारा फाइट होता रहता है और नॉर्थ ईस्ट में फाइटर्स बेसिक ज्यादा है मगर प्रमोशन कम है। तो बीएफसी करूंगा डेफिनेटली, पूरा इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करेगा, ये खाली नॉर्थ ईस्ट का इवेंट नहीं है, पूरा इंडिया का इवेंट है। तो आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करो और अच्छे से मेहनत करो। हम लोग BFC 3 लेके आ रहे हैं वेरी सुन, तो आप लोग प्रिपेयर रहो। हम लोग एक ट्रेनिंग सिलेक्शन कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे उससे पहले, तो हम लोग सब कुछ अपडेट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव।